शिवपुरी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंह निवास गांव में ओवरब्रिज के समीप एक घर के सामने रेत के नीचे विस्फोटक सामग्री दबे होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस ने विस्फोटक रखी सामग्री रखे क्षेत्र को सील कर दिया है। पुलिस ने ग्वालियर से बम स्क्वाड टीम को बुलाया, जिसने पड़ताल कर रेत के नीचे से दो डायनामाइट बम बरामद किए हैं। बम स्क्वाड टीम ने दोनों बमों को ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार सिंह निवास गांव के पास निकला फोरलेन बाईपास के ओवर ब्रिज के गांव ग्वालियर की ओर जाने वाली सर्विस रोड के समीप सरनाम सिंह राजवत का घर है। घर के सामने रेत का ढेर पड़ा हुआ है। सरनाम सिंह के छोटे बेटे ने बताया कि आज सुबह वो प्रतिदिन की तरह बेलपत्री लेने गया था, तभी जमीन में तार दिखे। उसने अपने घर में पूछा कि ये तार किसने बिछाया है, तो उसने तार को घड़ी करना शुरू कर दिया। घर के सामने पड़े बजरी के ढेर में वो तार दबे हुए थे। उसने बजरी के ढेर को हटाया तो उसमें सीमेंट का टीला से दबा था, जिसमें ये तार लगे थे। समझने का प्रयास किया लेकिन समझ नहीं आया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से SI सुमित शर्मा, SI दीपक पलिया, प्रधान आरक्षक महेश भास्कर, BDDS ग्वालियर टीम, ग्वालियर से ASI जितेंद्र सिंह, सी प्रबल प्रताप सिंह, HC दिनेश सिंह, HC उमाकांत दीक्षित मौजूद थे। तो ये आज कोई कार्यक्रम है आपके घर में? मेरे यहाँ ये पटन चल रहा था मामरत्ती गांव का। हाँ। तो मैं क्या है इधर ये बिल पत्र लेने जाता था बाउंड्री पार करके। ठीक है। रोज ही जाता था, आज गया था उधर से कॉल डाल रही थी। तो मैंने घर वालों से बोला, मैंने कहा किसी ने अपने ने तो नहीं डाली। वो बोले नहीं अपनों ने नहीं डाली। मम्मी बोली उसकी घड़ी कर ला। मैं उधर से कॉल की घड़ी करके ला रहा था, तो इधर रेत में मतलब तार दब रही थी इधर, तो मतलब खोद के देखा तो ये मैं। अच्छा, आज आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है क्या घर में? हाँ, जन्मदिन है बच्चे का। पार्टी वार्टी रखी है कुछ? हाँ, जन्मदिन है, हर साल मनाते हैं सर। तो ऐसी किसी ने बताया कि कोई रात में गाड़ी से रख के गया था, कौन ऐसा आपको क्या? हाँ, वो पड़ोसी बता रहे थे, रात में मतलब 12 बजे के टाइम पे एक फोर व्हीलर गाड़ी आई थी, तो उसमें बैन उसमें मतलब वो लोग उतरे, पांच लड़के बता रहा था। आपको कभी कोई धमकी धमकी ऐसा कुछ मिला है क्या? नहीं सर, अभी धमकी तो अपन को नहीं। किसी कोई ऐसा व्यक्ति दुश्मनी है तुम्हारी? नहीं, दुश्मनी भी अपनी किसी से दुश्मनी नहीं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके संदिग्ध हो के ऐसा लग रहा हो कि शायद वो उधर रख के गया हो, या गाड़ी का किसी ने नंबर वगैरह देखा हो कौन सी गाड़ी थी? बड़ा काम कोई नहीं कर सकता सर, बाहर की है, बाहर की गाड़ी है, बाहर की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन अपना किसी पे वो नहीं है सर। के मतलब कुणाल को सरप्राइज देना है। कुणाल कौन है? हाँ, कुणाल मेरा भतीजा है सर। कितने साल का जन्मदिन है? कितनी साल का? 11 साल का। अच्छा, तो कोई पारिवारिक या वैसी कोई दुश्मनी है? नहीं, वैसे किसी से दुश्मनी नहीं। फोन अननोन फोन किसका आया था? कोई ट्रू कॉलर पर उसका नाम वगैरह कुछ? न्यू नाम आ रहा है उसका, नाम नहीं आ रहा। अच्छा, नंबर क्या है वो? नंबर मैं आपको दे रहा हूँ सर, नंबर है उसका 98 13 49 63 30। तो इसने क्या कहा था? इसने ये पहले तो बता रहा था कि मैं गुनाह से बोल रहा हूँ, उसके बाद में सरपंच साहब से बात कराई तो फिर बोलने लगा मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। फिर उसका कहना क्या था? फिर गाली भी देने लगा। नहीं, कहना क्या था? क्या कहना था? जो भी बात थी सरपंच सर से हुई थी उसकी। कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं बोला कि मैं सरप्राइज देना है? कि सरप्राइज के अलावा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा हूँ, क्यों? आप अपने खाते का नंबर दे दो, मैं 10,000 रुपए डालूँ। अच्छा, ये बोला था उसने। फिर आपने खाते का नंबर दिया? नहीं, नंबर नहीं दिया आपने। नहीं दिया न, जानने की कोशिश करी कि आखिर किसका फोन था? नहीं, जानने की कोशिश नहीं की। सरपंच साहब को बुलाया, उनसे बोला, उन्होंने ही बात की उससे। तो सरपंच साहब ने पूछा नहीं आप कौन बोल रहे हैं? सरपंच साहब से गाली देने लगा। अच्छा सर, आज जो ये विस्फोट की जानकारी मिली और क्या कुछ पूरा ये मामला था? ये अभी शाम 3-4 बजे के आसपास की बात है। सिंह निवास पुल के नीचे सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई रेत में कोई संदिग्ध अवस्था में कोई वस्तु रखी हुई है, उसमें तार भी जुड़े हुए हैं, जो तत्काल सूचना पाकर वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और BDDS TM को सूचना दी गई, जो ग्वालियर से BDDS TM आई गई, जिन्होंने मौका निरीक्षण किया। जो वहाँ पर उस संदिग्ध पर जो चीज थी, सीमेंट रखा हुआ था, उसको उन्हें चेक करके उनके द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया गया है और उसके नमूने भी लिए गए हैं, जो आगे जांच हेतु एफएसएल भेजे जाएंगे। पता पड़ा है किसने? अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, ये अज्ञात कारणों से रखा गया था किसी के द्वारा, अभी इसमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, इसका पता लगाया जा रहा है। आज कोई जन्मदिन की पार्टी वगैरह भी थी?
हाँ ऐसा बताया कि वो जिसके रखा गया था घर के पास में, उनके घर पे आज बच्चे का बर्थडे प्रोग्राम था तो शाम को आयोजित किया जाना था, हालांकि वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खैरियत है और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। सर उन परिजनों का कहना है कि एक तो उम्मी गाड़ी रात में आती है, 5 लोग उनके साथ थे और LP080 नंबर देख पाए, उनके द्वारा ये घटना मैंने करी गई जी। हाँ ऐसा फरियादी ने बताया, उसको बुलाया गया अभी थाने पर, जैसा वो बताएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी का वह पूरा नंबर नहीं आ पाया है, आसपास के CCTV कैमरे चेक किए जा रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो आगे आपको अवगत करा दी जाएगी। सर उसमें एक फोन भी आया है कि बच्चे को सरप्राइज दे जी, तो फोन के संबंध में भी उसकी CDR टावर लोकेशन निकाली जा रही है, जैसे ही उसमें पता लगाया जाएगा आगे कार्रवाई की जा रही है और नंबर को उसको आगे ट्रेस किया जा रहा है।